हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको BlogTechOnline यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। अगर आप एक न्यू ब्लॉग या वेबसाइट चला रहे हैं तो पहले तो बहुत सारे प्लगइन को आप लोग यूज कर लेते हैं, या काफी ज्यादा इमेज यूज करने की वजह से आप लोगों का जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो काफी स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप वर्डप्रेस चला रहे हैं तो वर्डप्रेस की मदद से आप लोग वर्डप्रेस की एक प्लगइन के मदद से आप लोग कैसे अपने वेबसाइट की लोडिंग को फास्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपका वेबसाइट की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोगों का जो वेबसाइट का जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड है और वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम हो जाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं प्लगइन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस प्लगइन का नाम है AMP। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिस भी प्लगइन के मदद से आप लोग अपने वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाएंगे, उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एड न्यू पर क्लिक करना होगा। तो एड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा AMP। सिंपली AMP सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारी AMP प्लगइन का जो भी प्लगइन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रेंड्स, जिस प्लगइन पे wordpress.com लिखा हुआ है उसी को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को एक्टिव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो एक्टिव के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे AMP का जो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को AMP देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा सेटिंग्स करना है। तो उसका करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जनरल पर क्लिक करना होगा। तो जनरल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा टेम्पलेट मोड, यहाँ पे आप लोगों को क्लासिक ही रहने देना है। किन किन चीजों को आप लोग किन किन कंटेंट टाइप को आप लोग AMP पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मोबाइल पे नहीं करेंगे, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि पोस्ट पे ही रहने दे। अगर आप मीडिया और पेजेस पर करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे आप लोग इमेज यूज किया हुआ है तो उस इमेज को शो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी कंटेंट है कंटेंट को ही आप लोग AMP में कन्वर्ट करके शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मीडिया पर भी क्लिक करना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर पोस्ट को ही आप लोग AMP पर कंटेंट टाइप पोस्ट ही देना चाहे तो पोस्ट ही दे सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका सेटिंग्स हो ही गया। तो उसके अप्लाई हुआ है कि नहीं तो उसको आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप लोगों को अपीयरेंस पर जाना होगा। अपीयरेंस पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे AMP का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को AMP फाइल पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट दिखाई देगा AMP पे। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप लोग AMP पे आप लोगों का वेबसाइट आ गया। तो सिंपली ऐसा डैशबोर्ड अगर आप लोग किसी और थीम को यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का जो भी थीम से वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को ऐसे ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का वेबसाइट ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप लोगों को डिजाइनिंग पर क्लिक करना है। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडर टेक्स्ट आप जो भी रखना चाहे तो यहाँ पे कलर को बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप डार्क चाहते हैं तो डार्क भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लाइट करना चाहे तो लाइट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर देना होगा। तो सिंपली यही करने के बाद आप लोगों का जो जो वेबसाइट है
वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा और उसका जो भी लोडिंग टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बड़ी साइट AMP प्लगइन का यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों का जो भी उसका जो भी ब्लॉग है वो फास्टेस्ट हो, फास्टेस्ट लोडिंग जो है वो फास्ट हो। तो इसीलिए आप लोगों को भी अगर आप ब्लॉग चला रहे हैं तो ये प्लगइन आपको यूज़ करना ज़रूरी है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इस प्लगइन को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली हुआ कि नहीं देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों का जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के बाद वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो उसको ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये एक डेमो साइट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई भी कॉन्टेंट इसलिए नहीं लिखा है। आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाया। तो यहाँ पर सिंपली जब भी आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट के लास्ट पे स्लैश देकर आपको AMP लिख देना है और उसको लिखने के बाद सिंपली एंटर क्लिक करना है। तो एंटर दबाने के बाद आप लोगों का जो भी थीम से वो थीम चेंज हो जाएगा और काफ़ी फास्टेस्ट भी आपका वेबसाइट हो जाएगा। तो सिंपली इसको आप मोबाइल फ्रेंडली करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल फ्रेंडली हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग अपने वेबसाइट को AMP के जरिए फास्टेस्ट बना सकते हैं। यही एक मेथड था। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस प्लगइन के बारे में नहीं जानते थे तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों का जो भी वेबसाइट है वो अगर आप लोग फास्टेस्ट करना चाहते हैं, मोबाइल फ्रेंडली करना चाहते हैं, तो इस प्लगइन को आप लोगों को जरूर यूज़ कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो पर बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।